जय श्री गणेशा। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आने वाला है। हमारे गणेश जी गंगू जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों का फेवरेट होता है मीठा। तो आइए आज हम किड स्पेशल में बनाएंगे टूटी फ्रूटी मोदक, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। टूटी फ्रूटी मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे घी, 2 बड़े चम्मच देसी घी के, और अब इसमें मैं ऐड करूंगा सूजी, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। अब इन दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे सूजी को। याद रहे, सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हम इसको थोड़ा ही कुक करेंगे और लो फ्लेम में कुक करेंगे। सूजी अगर मेरी ज़्यादा कुक हो जाएगी तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और हमारे मोदक दिखने में अच्छे नहीं बनेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, किड्स को बहुत पसंद आएगी और हमारे नन्हे गणेश जी को भी बहुत पसंद आएगी। सूजी हमारी देखिए भुन गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब हम दूध लेंगे और इसको करेंगे बॉयल। ये तकरीबन मैंने 350 ml दूध ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगा इलायची का पाउडर और चीनी। चीनी मैं ले रहा हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच। अब दूध को अच्छे से हम चलाएंगे कि जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। दूध हमारा देखिए बॉयल हो चुका है, शुगर भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, पर ध्यान रहे सूजी हमें आराम आराम से कम क्वांटिटी में ऐड करनी है, नहीं तो लम्स बनने का इसके अंदर खतरा रहेगा आपको। देखिए अब धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे हम इसे और कुक करेंगे, सूजी का नेचर ऐसा होता है वो थोड़ी फूलती है, तो ये हमारा लिक्विड सारा सोख कर लेगी और ये एक तरह का थिक डो बन जाएगा आपका। अब इसमें हम देंगे अपना ट्विस्ट, किड स्पेशल टूटी फ्रूटी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हमें तब तक कुक करना है जब तक ये पूरा कढ़ाई ना छोड़ दे। देख सकते हैं आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब टेस्टी के साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा हेल्दी भी बनाना चाहूँगा बच्चों के लिए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा ये मेरे मिक्स ड्राई फ्रूट्स। इसमें काजू है, किशमिश है, कोकोनट है, पिस्ता है। बच्चे वैसे तो ये चीज़ें कभी नहीं खाएंगे, लेकिन मोदक देखने में इतना सुंदर होगा तो ज़रूर खा लेंगे। तैयार हो गया है मेरा टूटी फ्रूटी मोदक मिक्सचर। अब इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे, और बच्चे तो एक चीज़ में नहीं मानने वाले, तो अब ट्विस्ट ये है, उनके लिए स्पेशल एक और मैं रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है ओरियो मोदक। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं ओरियो मोदक। ओरियो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बिस्किट से क्रीम को अलग करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रीम को मैंने अलग कर लिया है, बिस्किट यहाँ पे आ गया है, क्रीम ये रही। अब मैं बिस्किट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिक्सचर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि मुझे इसका डो बनाना है। शुगर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिस्किट ऑलरेडी मीठा है और क्रीम है, क्रीम स्टफिंग है, क्रीम भी मीठी होती है, इसलिए हम इस रेसिपी के अंदर शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं। को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा जो डो है चॉकलेट का, ये रेडी हो चुका है, और जो हमने इससे पहले
टूटी फ्रूटी मोदक का डो रेडी किया था, वो भी फ्रिज में था ठंडा होने के लिए, ठंडा हो चुका है। दोनों डो बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में है और साथ ही ये इनकी स्टफिंग है। तो शुरू करेंगे हम ओरियो मोदक से। सबसे पहले ये मैंने जो मोल्ड दिया है इसको मैं थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लूँगा ताकि मेरा मोदक इस पर चिपके नहीं। ये मैंने अपना ओरियो वाला बेस लिया है, इसको अच्छे से लगाएंगे। दोनों साइड फैला के जो भी एक्सेस लग रहा हो उसको हम निकाल देंगे। थोड़ा सा बीच में मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें स्टफिंग करनी है क्रीम की। मैं यूज करूंगा इसे बिस्किट की क्रीम। स्टफिंग करने के बाद ऊपर इसको मैं क्लोज कर दूंगा बिस्किट वाले डो से। स्टफिंग मैंने कर ली है बिस्किट वाले डो से, मैंने इसको कवर कर दिया है। तो आराम से निकालेंगे इसको, अब हम निकालेंगे डीमोल्ड करेंगे। जो भी थोड़ी फिनिशिंग की जरूरत है इसको मैं हाथ से दे रहा हूँ। एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ इसको स्टफ करने का। इसकी आप ऐसे गोली बनाइए जैसे हम पराठे के अंदर स्टफिंग करते हैं, उसके अंदर क्रीम डालिए, इसको क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद एक्सेस जो डो है उसे हटा दीजिए और मोल्ड में लगाइए। अच्छे से इसको फैला लीजिए और मोल्ड को बंद कर दीजिए। साइड्स थोड़ी सी जो बाहर आएंगी उसको आप हटा दीजिए, एक प्रेस करेंगे नीचे से ताकि अपने अच्छी सी शेप ले ले। तो हमारे मोदक जो हैं ओरियो बिस्किट्स वाले चॉकलेट मोदक तैयार हो चुके हैं। आइए अब हम रेडी करते हैं टूटी फ्रूटी मोदक। टूटी फ्रूटी मोदक के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा हम घी लगाएंगे मोल्ड में। ये हमारा डो है, इसको हम लोग बीच में से थोड़ा सा प्रेस कर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टफिंग लास्ट में ऐड कर पाए। अब ये देखिए यहाँ से मैं ऐड करूँगा स्टफिंग। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ पिस्ता जो कि मैंने फाइन चॉप कर रखा है। स्टफिंग हो गई है, अब इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ताकि अंदर हमारा मोदक अच्छे से शेप ले ले। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो तैयार है हमारे ओरियो चॉकलेट मोदक और टूटी फ्रूटी मोदक। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी और अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।